जय हिंद दोस्तों, मैं रवि मोहन शर्मा आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पीएससी मंत्रा पर। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल क्लास लेकर आया हूं। वो स्पेशल क्लास है रोजगार और निर्माण से संबंधित। इसमें मैं आप लोगों को 10 फरवरी से और 16 फरवरी तक का पूरा कंटेंट उपलब्ध कराऊंगा जो रोजगार और निर्माण से संबंधित होगा। चूंकि दोस्तों, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग हमेशा ही MPPSC के संदर्भ में अगर बात करूं मैं तो रोजगार निर्माण को प्रेफरेंस जरूर देता है और वहां से हमेशा 100% प्रश्न बनने की संभावनाएं रहती हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को रोजगार और निर्माण हर हफ्ते का पढ़ना है। तो इसमें हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन सी खबरें मुख्य खबरें रही थी। इसी के साथ मैं शुरुआत करता हूँ। तो शुरुआत कर लेते हैं पहले फैक्ट की तरफ। पहला फैक्ट क्या कहता है, प्रतिष्ठित इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकादमी अवार्ड आईफा अवार्ड का 21वां आयोजन पहली बार मुंबई के बाहर हो रहा है। और कहां हो रहा है, वो मध्य प्रदेश में। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि मध्य प्रदेश इसका सहभागी बन रहा है। भोपाल के मिंटो हॉल में ये 21 फरवरी को आयोजित होगा, सॉरी 21 मार्च को, एवं 27 और 29 मार्च को इसका आयोजन कहां होगा, इंदौर में। तो 21 मार्च को पहला आयोजन कहां हो रहा है इसका, भोपाल के मिंटो हॉल में, और 27 एवं 29 मार्च को इसका आयोजन कहां हो रहा है, इंदौर में। तो ये बहुत गर्व की बात है कि इसका आयोजन कहां हो रहा है, मध्य प्रदेश में। अगले फैक्ट की ओर बढ़ते हैं। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है, 13 फरवरी को। इसकी बात करते हैं हम लोग तो 3 नवंबर 2011 को यह सुनिश्चित किया गया था कि 13 फरवरी को हर वर्ष रेडियो वर्ष मनाया जाएगा, ठीक है। और पहली बार इसकी घोषणा कब हुई थी, तो 13 फरवरी 2012 को विश्व रेडियो दिवस की धूमधाम से मनाने की घोषणा हो गई थी, ठीक है। अब विश्व रेडियो दिवस 2020 की थीम क्या कहती है, रेडियो और विविधता, जो सामयिक भी है और आवश्यक भी है। ये 2020 की इसकी थीम हो गई। अब अगला पॉइंट देखते हैं। 1936 में ऑल इंडिया रेडियो के नाम से भारत में प्रचलित हुआ। साथ में 1957 को ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, आकाशवाणी। तो कब बदलकर नाम कर दिया गया था, आकाशवाणी। हाल ही में एक परीक्षा आयोजित हुई थी, उसमें प्रश्न पूछा गया था कि ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब कर दिया गया था, तो 1957 को। अब जब यह शुरुआत किया गया था आकाशवाणी, तो उस समय इसका ध्येय वाक्य क्या था। देखिए दोस्तों, कोई भी चीज हम लोग शुरुआत करते हैं तो उसका एक ध्येय वाक्य रखते हैं, ठीक है। तो कोई भी जैसे कुछ आंदोलन भी हुए तो उनका एक नारा रखा गया था, स्लोगन रखा गया था, उसी प्रकार इसका भी एक ध्येय वाक्य रखा गया। तो ध्येय वाक्य क्या था, बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय। क्या था इसकी थीम, बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय। अगली फैक्ट की ओर बढ़ते हैं। खजुराहो नृत्य समारोह, आप लोगों ने इसका नाम जरूर सुना होगा। इसका आयोजन होता है 20 से 26 फरवरी तक, ठीक है। और जो आयोजन अभी होगा 20 से 26 फरवरी के बीच में, वो 40वां खजुराहो नृत्य समारोह होगा। कौन से नंबर का होगा ये, 46वां। अब देखते हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ये रही भैया प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार को 3 श्रेणियों में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। तो पहला पुरस्कार मिला है योजना के क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय स्तर की श्रेणी का, उसमें मध्य प्रदेश को पहला स्थान मिला है। वहीं जिला स्तरीय श्रेणी की अगर मैं बात करूं तो उसमें मध्य प्रदेश के इंदौर को राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार गांव के लिए जो योज इसमें तीसरा पुरस्कार मिला है मध्य प्रदेश को। अब आते हैं अगले फैक्ट की तरफ। कूनो राष्ट्रीय उद्यान में एक सर्वे कराया गया था अभी, जिसमें 174 प्रजातियां किसकी, पक्षियों की खोजी गई थी, ठीक है। उसमें 12 दुर्लभ प्रजाति के पक्षी मिले हैं। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में सर्वे के दौरान विशेष पक्षी मिले हैं, तो कहां पर मिले हैं, कूनो राष्ट्रीय उद्यान में, और कितनी प्रजाति मिले हैं, 12 प्रजातियों के। अगले फैक्ट की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के मंत्रिपरिषद ने, किसने, मध्य प्रदेश के मंत्रिपरिषद ने हाल ही में
इंदिरा गांधी समाज सेवा पुरस्कार 1992 में संशोधन करके इस पुरस्कार की राशि 1 लाख से बढ़ाकर 10 लाख करने का अनुसमर्थन किया है। इसकी राशि अब कितनी की जाएगी? 1 लाख से 10 लाख। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। कोरोना वायरस को लेकर सबसे पहले दुनिया को सचेत करने वाले चीनी डॉक्टर ली बेन लियांग की मौत हो गई। इन्होंने कोरोना वायरस को लेकर चीन को चेताया था कि हमारे देश में इस वायरस का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, लेकिन चूंकि चीन सरकार द्वारा उनकी आवाज को दबा दिया गया था और उस आवाज को दबाने का परिणाम है कि आज हम लोग देख सकते हैं कोरोना वायरस का हर देश पर विशाल प्रभाव पड़ रहा है। तो दोस्तों, ये जो वैज्ञानिक थे डॉक्टर ली बेन लियांग, इनकी भी हाल ही मौत हो गई। इनकी मौत का कारण भी कोरोना वायरस था। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। अगला पॉइंट है, स्वीडन ने अपने देश की पर्यावरण कार्यकर्ता, इनका नाम बहुत चर्चा में रहा इस साल, ग्रेटा थनुबर्ग को 2020 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया है। किसको नामित किया है? ग्रेटा थनुबर्ग को। ग्रेटा ने पर्यावरण को बचाने के लिए स्कूल से ही स्ट्राइक फॉर क्लाइमेट या फ्यूचर फ्राइडे कैंपेन शुरू किया था। देखो दोस्तों, जो लोग बदलाव करना चाहते हैं, वो चाहे बालपन हो या युवावस्था हो, कोई भी अवस्था हो, उस अवस्था में कुछ बदलाव करने की कोशिश हमेशा करते हैं। इन्होंने भी वही किया। स्कूल समय से ही इन्होंने पर्यावरण के लिए लोगों को समझाया था, उसके प्रति सचेत किया था और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए उसके दुष्प्रभाव भी बताए थे कि हमें पर्यावरण को किस प्रकार से सहेजना चाहिए। तो दोस्तों, आते हैं अगले पॉइंट की तरफ। 73वें ब्रिटिश अकादमी फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स अवार्ड, बाफ्टा, इन्हें इसे बोलते हैं बाफ्टा पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया। कहां पर आयोजन किया गया था इसका? रॉयल ऑलवर्ट हॉल लंदन में। इस समारोह में ब्रिटिश फिल्मकार सैम मेंडिस की फिल्म 1917 को बेस्ट फिल्म को अवार्ड दिया गया था। किसे दिया गया था दोस्तों? रॉयल अल्बर्ट हॉल लंदन में और ब्रिटिश फिल्मकार सैम मेंडिस की फिल्म 1917 को। तो इस प्रकार हम लोगों ने बाफ्टा अवार्ड भी देख लिया। अब आते हैं अगले पॉइंट की तरफ। मालदीव को राष्ट्रमंडल में आधिकारिक रूप से 3 साल बाद फिर से शामिल कर लिया गया है। मालदीव ने चूंकि 2018 में राष्ट्रमंडल से हटने का फैसला लिया था और वो वहां से हट चुका था, लेकिन हाल ही में 3 साल बाद इसने फिर से कोशिश की और इसमें शामिल कर लिया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एशियाई अमेरिका सलाहकार परिषद, कौन है? अमेरिकी राष्ट्रपति ने एशियाई अमेरिकी सलाहकार परिषद में भारतवंशी, क्या नाम है? प्रेम परमेश्वरम को शामिल किया गया है। किसको शामिल किया गया है? प्रेम परमेश्वरन को। अगले फैक्ट की ओर बढ़ते हैं। इराक के नए प्रधानमंत्री कौन बनाए गए हैं? मोहम्मद तौफीक अलावी। कौन बनाए गए दोस्तों? मोहम्मद तौफीक अलावी, ये इराक के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। इराक के राष्ट्रपति कौन है इस समय? बरहाम सालेह। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। मध्यप्रदेश कैडर के IAS प्रमोद अग्रवाल को कोल इंडिया लिमिटेड का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। ठीक है, किसको किया गया है? प्रमोद अग्रवाल को। ये मध्यप्रदेश कैडर के IAS रह चुके हैं। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाली देश की पहली महिला खिलाड़ी दीपा मलिक भारतीय पैरालंपिक समिति PCI की नई अध्यक्ष चुन ली गई है। मैंने कल परसों के करंट अफेयर्स में आप लोगों ने वीडियो में देख सकते हैं ये चीज समझाई थी आप लोगों को। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। वहीदा रहमान को मुंबई में मध्य प्रदेश के प्रतिष्ठित सम्मान किशोर सम्मान 2018 से सम्मानित किया गया है। किससे किया गया है? किशोर सम्मान 2018 से किसे किया गया है? वहीदा रहमान को। इसके बारे में भी मैंने आप लोगों को चर्चा की थी और करंट अफेयर्स के बारे में बताया था इसके बारे में। इस पुरस्कार की राशि कितनी थी? 2 लाख रुपए। अब भाई अगले फैक्ट की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा सा मजाकिया है लेकिन ठीक है। सोमालिया ने टिड्डियों के हमले से लेकर राष्ट्रीय आपात की घोषणा की है।
कोई देश टिड्डियों से अपने देश की रक्षा नहीं कर पा रहा है तो समझ जाइए उस देश की स्थिति क्या होगी। तो भाई सोमालिया में इस समय जो सोमालिया की अक्सर हम लोग देखते सुनने में आता है कि सोमालिया इन संकटों से अक्सर गुजरता रहता है, तो हाल ही में वो टिड्डियों के हमले से गुजर रहा है। वहां पर किसानों के खेतों में टिड्डियों ने हमला कर दिया है और ये टिड्डी फसल को पूरी तरह से निस्ते नाबूद कर देती हैं। चूंकि सोमालिया में खाद्य को लेकर वैसे ही समस्या बहुत है, वहां की आबादी जो है भूखमरी की स्थिति पड़ चुकी है उसके बीच में। तो दोस्तों विश्व के निर्धन देशों में से एक सोमालिया में क्या आपातकाल किया गया है, टिड्डियों के हमले को लेकर राष्ट्रीय आपातकाल। प्रश्न पूछा जा सकता है हाल ही में किस देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है, तो क्या नाम है, सोमालिया। दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला फातिमा मिर्जो कुलूबा का 126 साल का की उम्र में तजाकिस्तान में निधन हो गया। लेकिन दोस्तों ये आधिकारिक रूप से 126 साल सबसे बड़ी महिला नहीं है, उम्रदराज महिला नहीं है, इससे पहले मिस्र की महिला है जिनके नाम ये किताब हासिल है। प्रख्यात पंजाबी लेखक और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित जसवंत सिंह कंवल का 101 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। किसका हो गया है, पंजाबी लेखक और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित जसवंत सिंह कंवल का। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, अमेरिकी बास्केटबॉल लीग एनबीए के दिग्गज खिलाड़ी कोबी ब्रायंट का कैलिफोर्निया में एक हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया। दोस्तों बड़ी दुखद खबर थी, 3-4 दिन पहले ये खबर हुई थी और इसमें कोबी ब्रायंट जो खिलाड़ी थे उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इसमें उनकी बेटी भी थी और 7 से 8 मित्र और थे, इन सब का हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया। तो एक बड़े खिलाड़ी को हम लोगों ने यहां पर खो दिया है। अगले पुरस्कार की तरफ बढ़ते हैं, प्रशांत महासागर में स्थित द्वीपी देश पलाऊ, इसने जहरीले सनस्क्रीन प्रोडक्ट, जो सनस्क्रीन प्रोडक्ट हमारे चेहरे पर हमारी त्वचा पर यूज करने के होते हैं उन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है, ठीक है, और ये ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, एयरलाइन रेटिंग 2020 की टॉप 20 सुरक्षित एयरलाइंस में ऑस्ट्रेलिया की विमान कंपनी कंतास एयरवेज दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइंस बन गई है। कौन है, कंतास एयरलाइंस। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2020 के मुताबिक दुनिया भर के 191 देशों में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट जापान का है। भारत का स्थान 84वां है, ठीक है, भारत का कौन सा स्थान है, 84वां, और सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किसका है, जापान का है। इस सूची को इंडेक्स को जारी कौन करता है, हेनली पासपोर्ट, ठीक है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, रूस के प्रधानमंत्री दिमित्री मेदरेव ने हाल ही में अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने थोड़ी सी ये खबर पढ़ी, अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक फोरम मतलब विश्व आर्थिक मंच का 50वीं बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक में हमारे मध्य प्रदेश के सीएम श्री कमलनाथ जी ने शिरकत की, ठीक है। अब आते हैं अगली खबर की ओर, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोरोना वायरस को वैश्विक स्वास्थ्य आपदा घोषित किया है। किसको किया है, विश्व आर्थिक स्वास्थ्य संगठन WHO ने किसको किया है, कोरोना वायरस को। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, हाल ही में 31 जनवरी को यूनाइटेड किंगडम UK EU से अलग हो गया, यूरोपियन यूनियन इससे अलग हो गया, ठीक है। प्रश्न पूछा जाता है, जा सकता है ये कि यूनाइटेड किंगडम से कौन सा देश अलग हो गया है, तो कौन सा हो गया है, EU। कैटरीना सकेला रोपोल ग्रीस की नई राष्ट्रपति चुनी गई हैं। क्या नाम है, कैटरीना सकेला रोपोल, और इनके बारे में चर्चा ये है कि ये पहली महिला ग्रीस की राष्ट्रपति बनी है, ठीक है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 500 गाय का
सुमन कल्याणपुर को वर्ष 2017 और संगीत निर्देशक श्री कुलदीप सिंह को वर्ष 2018 का राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय की झांकी 2020 के गणतंत्र दिवस में शोभा बनी थी, मतलब इसने लोगों का ध्यान आकर्षण किया। किसने किया था? जनजातीय संग्रहालय की झांकी। हर बार 26 जनवरी को झांकी निकाली जाती है, हर राज्य अपनी अपनी झांकी प्रस्तुत करता है, मध्य प्रदेश ने भी अपनी झांकी प्रस्तुत की। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की दो बालिकाओं, क्या नाम है, रिया जैन और सुदीप्ति हजेला को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। किसने दिया यह सम्मान? राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। डॉक्टर अजीज कुरैशी ने मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी के अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाल लिया है। कौन बने हैं? अजीज कुरैशी। क्या बने हैं? मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी के अध्यक्ष। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ द्वारा इंदौर में देश की पहली द्वार प्रदाय सेवा योजना का लोकार्पण किया है। क्या किया है? देश की पहली द्वार प्रदाय सेवा योजना का लोकार्पण किया है। कहां से किया है? इंदौर से। किसने किया है? कमलनाथ जी ने। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। स्वप्न साधन बोस को मोहन बागान क्लब का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मोहन बागान क्लब फुटबॉल का सबसे पुराना क्लब है और किसको बनाया गया है? स्वप्न साधन बोस को। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। इरफान पठान ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। ये एक ऑलराउंडर खिलाड़ी थे इंडिया के, इन्होंने T20 हो, वनडे हो या टेस्ट क्रिकेट हो, सबसे संन्यास ले लिया है। अब आते हैं ICC अवार्ड। इसकी मैं आप लोगों को करंट अफेयर्स की वीडियो उपलब्ध करा चुका हूं ICC अवार्ड की, तो आप लोग वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। रानी रामपाल ने वर्ल्ड गेम एथलीट अवार्ड ईयर का खिताब जीत लिया है। ये मैं आप लोगों की चर्चा कर चुका हूं, किसने जीता है? रानी रामपाल ने। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। सर्बिया के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने वर्ष का पहला ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन अपने नाम कर लिया है। ठीक है दोस्तों, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया की एलिसा न्यूमैन ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी में नया कीर्तिमान हासिल किया है। एलिसा अंतर्राष्ट्रीय पुरुष हॉकी मैच में अंपायरिंग करने वाली विश्व की पहली महिला बन गई है। कौन बनी है? ऑस्ट्रेलिया की एलिसा न्यूमैन। ठीक है दोस्तों, अब यहां से हम लोग देख लेते हैं 2020 के आज का करंट अफेयर्स, मतलब 10 फरवरी का। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने हाल ही में भारतीय बैडमिंटन कोच पुलेला गोपीचंद को 2019 कोच लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। किसने किया है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने। किसे किया है? पुलेला गोपीचंद को। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। देश के विभिन्न राज्यों में आज 10 फरवरी से 28 फरवरी 18 दिन तक एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान का शुभारंभ किया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा देना या सुनिश्चित करना। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। DRDO द्वारा युवा विज्ञानी कार्यक्रम युवका के दूसरे सत्र का आरंभ किया गया। यह कार्यक्रम इसरो ने 2019 में शुरू किया था। अब ये जो आयोजित होगा वो 11 से 22 मई के बीच आयोजित होगा। ठीक है दोस्तों, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। कोरोना वायरस के मामलों की पुष्टि के बाद भारत के केरल राज्य द्वारा राजकीय आपदा की घोषणा की गई है। वहां तो WHO ने राष्ट्रीय आपदा की घोषणा की थी और इसने राजकीय आपदा की घोषणा की है। किसने? केरल राज्य ने। तो दोस्तों, इस प्रकार हम लोगों ने 10 से और 16 फरवरी का पूरा रोजगार निर्माण पढ़ लिया है। ठीक है, बाकी मध्य प्रदेश की जो लेक्चर्स होंगे, मध्य प्रदेश की जो करंट अफेयर्स का लेक्चर होगा, जल्दी ही मैं लेकर आऊंगा।
मध्य प्रदेश करंट भी आप लोगों को जल्दी उपलब्ध कराया जाएगा। तो इसी के साथ दोस्तों मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।